तो हेलो यार फैमिली, कैसे हो? तो यार आज की वीडियो भाई बहुत ही अलग होगी, क्योंकि यार आपको भाई पता ही है कितने दिनों से डोरेमोन हमारी टीआरपी लिस्ट में नहीं आ पा रहा है। हाँ यार, टीआरपी लिस्ट में वो आ ही नहीं पा रहा है। तो यार आप में से भाई बहुत ही ज़्यादा लोगों का मैसेज और डीएम्स आ रहा था कि भाई क्या होगा अभी, तो मतलब यार डोरेमोन टीआरपी लिस्ट में ही नहीं आ रहा, ऐसे तो धीरे धीरे डोरेमोन की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यार आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिज्नी को ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो अपनी टीआरपी को और डोरेमोन को और ज़्यादा पॉपुलर और टीआरपी लिस्ट में इंक्लूड कर सकता है। तो यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और भाई आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो यार ये वीडियो को एंड तक ज़रूर ही देखना। तो बिना किसी टाइम पास के आज इस कमाल की वीडियो को, तो चले आ जाते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले तो भाई आपको पता ही है कि पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि टीआरपी लिस्ट में कौन कौन से कार्टून नंबर वन पे आ जाते हैं, मतलब कौन कौन से शोज़ जो कि आ जाते हैं नंबर वन पे। जैसे यार वो शोज़ है रुद्रा, छोटा भीम तो नहीं लेकिन मोटू पतलू रुद्रा। तो यार सबसे पहले तो आपको उसमें इलॉजिकल चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो यार ये सबसे ज़्यादा टीआरपी जो मदद करता है उनको लाने में वो है भाई यार, मतलब 2 साल से और 5 साल के बीच के जो मतलब किड्स हैं या बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा उसे देखते हैं। तो यार ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो डोरेमोन को ज़्यादा सपोर्ट करे? तो यार इसी से वो भाई मतलब सबसे पहले तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब यार डोरेमोन के लिए एड्स वगैरह रन करने पड़ेंगे और उसके बहुत ही एक्सक्लूसिव एपिसोड्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स। हाँ यार बहुत ही ज़्यादा, मैंने ये नहीं कह रहा कि अभी डोरेमोन के एपिसोड्स इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, लेकिन यार उन्हें और ज़्यादा करना है तो यार उसको मतलब एपिसोड्स जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने पड़ेंगे। हाँ यार बहुत ही ज़्यादा। और यार उसके हिसाब से अगर कार्टून्स को पीछे छोड़ना है जैसे मोटू पतलू ये वो, तो यार उनको फटाफट से जल्दी जल्दी एपिसोड्स निकालने पड़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है मोटू पतलू के बैक टू बैक न्यू एपिसोड्स आते रहते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, तो उससे इसलिए ज़्यादा बच्चे बोर नहीं होते। लेकिन हमारे डोरेमोन का क्या यार, साल में एक सीज़न आएगा या 2 साल से 2 सीज़न और एक आध मूवी, तो इसी कारण से थोड़ा बहुत कम हो गया है। लेकिन यार अगर डिज्नी को अपनी टीआरपी में बढ़ावा लाना है तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड सीजन डब करके डिज्नी इंडिया मतलब डिज्नी चैनल पर हमें दिखाना पड़ेगा, तो उसी से डिज्नी चैनल की टीआरपी ऊपर जाने वाली है। तो यार सिर्फ और सिर्फ डोरेमोन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यार जैसे कि आपको पता है डिज्नी पर सेल्फी विद बजरंगी भी आता है, तो यार एक बार सेल्फी विद बजरंगी भी आया है टीआरपी लिस्ट में, लेकिन यार उससे कुछ फ़र्क नहीं होता क्योंकि अब डिज्नी का कोई भी शो और डिज्नी की खुद की रैंकिंग 5th नंबर पर है या 4th नंबर पर, यार ऐसा ही चलता रहा तो यार धीरे धीरे हमारा डोरेमोन की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाने वाली है। और यहाँ तक कि पोकेमोन एक्स वाई, हाँ यार पोकेमोन एक्स वाई भी नहीं आता है, जो अभी आ रहा है वो भी टीआरपी में नहीं आ पा रहा है पोकेमोन का। तो यार बहुत ही ज़्यादा ये सब मतलब मुश्किल की घड़ी है और हमें इससे मतलब यार डोरेमोन को बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा पॉपुलर बनाना ही होगा। तो ये थे कुछ कारण भाई जिससे पॉपुलर बन जाए। और एक मतलब एक बात मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, तो यार अगर डोरेमोन की कोई भी मूवी रिपीट टेलीकास्ट आती है, मतलब यार जैसे ज़्यादा बार आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव में आती है तो उसे यार प्लीज़ ज़रूर ही देखा करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो यार कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। ऐसी फेस कैम वीडियो चाहिए, ये कुछ हमारे मतलब नेचर्स का सेटअप आपको अच्छा लगा या मेरा पुराने वाला पीसी वाला सेटअप, कौन सा सेटअप अच्छा लगा नीचे कमेंट में जल्दी से बताना। और यार देखते हैं अगर ऐसा कुछ रहा और आगे टीआरपी में क्या आता है, जो भी आएगा आपको मेरी वीडियो से तो पता चल ही जाएगा। तो यार वीडियो तो यहीं तक की थी और आज की वीडियो को यही एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।